Hello, what's up everybody? So बीबी के वाइंस ने मतलब भुवन बम हमारे भुवन बम उन्होंने वायरस से रिलेटेड यूएस प्रेसिडेंट पे एक डब्ड वीडियो बनाई है जो कि आज ही आई है। तो फटाफट से उस वीडियो को देखते हैं क्योंकि मेरे को भी बड़ी यार मज़ा आ जाता है बीबी की इस रिएक्शन वीडियो को देखने में, काफ़ी फनी होती है यार। चलो फिर फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। देश भर में लोग डॉक्टर, नर्स, एयरपोर्ट अफसर और देश तो ये है वीडियो। वैसा देख के लग रहा आज तक का न्यूज़ चैनल से स्टार्ट है, वायरस से रिलेटेड भुवन बम। ओके स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 देश गो। भर में लोग डॉक्टर, नर्स, एयरपोर्ट अफसर और पुलिस कर्मचारियों की सराहना करने के लिए थाली और ताली दोनों बजाने लगे। हालांकि कुछ लोग ताली इस भावना में इतने बह गए कि उनको फिर कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में जबरदस्ती बिठाना पड़ा। ओह वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक पे कुछ लाइक्स पाने के लिए एक युवक ने अपने सर पे थाली मारना शुरू किया। लाइक्स तो मिले नहीं, लेकिन फोड़े 14 आए। भैया सर पर ही मार रहा ताली। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसके अंदर उन्होंने जनता के और न्यूज रिपोर्टरों के इस वायरस से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब दिए। ओबामा का अलग ही रौला था यार। इधर ही खड़े होते थे वो वो कोई बिल भी पास करता था, लगता था यूपीएससी का एग्जाम पास किया भी पहले अटेम्प्ट में। और है। शीतल कैसी हो? मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला, मैं हूँ घटोत्कच। ओबामा ही सही था यार। सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी खुद की गाड़ी रोक ली, कह रहा आरसी दिखाओ। नालिया तू। अब किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। आप पूछिए, क्या पूछना है? सर, ये चाइना के लोग सीधा सीधा टेंडे लौकी क्यों नहीं खाते? खाता तो मैं भी नहीं, पर अगर आप मेरी माँ से पूछेंगे, मेरी माँ को टिंडे बहुत पसंद थे और कोई उनको पूछता था टिंडे क्यों बनाती हो तो वो उनके मुंह में ही टिंडे ठूस देती थी। पर हम सबकी माँओं को टिंडे पसंद हैं, लेकिन चाइना का थोड़ा गड़बड़ है, क्यों क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है, चाइना और हमारी पूरी संस्कृति एकदम अलग है। वहाँ भिन्न प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ चमचम खाते हैं, वहाँ चमगादड़ खा जाते हैं। और हमारे यहाँ अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन वहाँ खाने में ऊँट के टट्टे होते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है जिस राइटर ने लिखा है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, वो चाइना ही होके आया था। सर, ये जो लोग अभी भी लॉकडाउन के बाद तफरी मारने बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय सोचे हैं आपने? हमने तो पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि जो आवारागर्दी कर रहा है उसके पिछवाड़े का कर्व सीधा कीजिए। भले ही आप अपने डंडे को सांडे का तेल पिलाएं या उसको रात भर भिगो के रखें। आप पूछिए। सर, आजकल एक पिछवाड़े लड़का का अगर कर खांस भी दे या छींक भी दे तो घर वाले ऐसे देखते हैं जैसे उसने जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। तो सर, आपको क्या लगता है कि कैसे पता लगाएं कि किसी को है कि नहीं? मुझे लगता है खुजली, क्योंकि खुजली अगर आप एक बहुत बड़े ग्रुप के बीच में हैं और आप नॉनस्टॉप खुजा रहे हैं तो ये पक्का क्लियर साइन है कि आपको वो है खुजली है। भैया, वो है, वो और खुजा रहा है, वो वो तेरी खुजा नानी को रहा होती थी ना, वो कहती थी मेरे को खुजली हो रही है, बार बार पैरों में खुजली हो रही है। तो इसकी नानी को खुजली होती थी और वो धीरे धीरे खुजली गले तक पहुंच गई। वो गला खुजाती रही, खुजाती रही, दिन गला रात खुजा दम घोटता गया रहा उसका। अरे खुजली की बात नहीं, वायरस की बात कर रहे। बुढ़े चुप रहे, मैं कह रहा हूँ कि वायरस का करे क्या। वो है। पीछे वाले कह रहे हैं कि चमगादड़ खा लो, वायरस की अपने आप फट जाएगी। आप बताइए बुढ़े कि चुप डूज क्या है, डोंट्स क्या है, कि ऐसी क्या शक्ति बढ़ते हैं? देखिए, जितनी मेरी डॉक्टरों से बात हुई है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक इंसान को इस टाइम पे अपनी नाक नहीं छूनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा जैसे इसकी नानी को बताया, तेरी नानी को सर खुजाने की आदत थी, वो सर खुजाते खुजाते वो खुद खुज गई। तेरे को बताया था, चाइना ने पूरी दुनिया को सिर्फ 36 चाइना टाउन नामक फिल्म वरदान में दी है, बाकी सब जगह हगा है। और ये जो वायरस है, इससे बचने के लिए मैं आपसे विनती करूंगा कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। एक जगह दो से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, एक एक दो साथ तीन इतने लोग चार इकट्ठे ना पांच हो, ऐसी छ दूरी बनाए रखें जैसे छ आपकी सात आठ आंख नौ आपके 10 बना लोग के खड़े हुए रखती हैं यहाँ है। पे, देश 11 भर वो में हाथ में लोग दिखा। डॉक्टर, नर्स, एयरपोर्ट अफसर और पुलिस कर्मचारियों की सराहना करने के लिए थाली और ताली दोनों बजाने लगे। हालांकि कुछ लोग इस भावना में इतने बह गए कि उनको फिर ओके से वीडियो दोबारा चालू हो गई। ओ भाई मजा आ गया यार वीडियो देख के। उसमें ट्रम्प है, ताली कहाँ गया, द्वार कहाँ है, ये वाला सीन भाई जिसमें ये बंदा खुजा। ओ भाई मतलब जो जो वो बोल रहा है भाई, मुंह नहीं खुजाना चाहिए, वो मुंह खुजा रहा है, नाक नहीं खुजानी चाहिए, नाक खुजा रहा हो, गला नहीं खुजा, गला खुजा रहा।
और कहाँ पड़ता ये दुपट्टे तफरी मारने छुपा बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या उपाय सोचे हैं आपने? हमने तो पुलिस कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि जो आवाज जो भी बाहर घूम रहे उन्हें लट्ठे लट्ठ पड़े। बेसिकली अभी मैंने वीडियो देखे थे, लोग गाड़ी में मतलब यूं ही पिकनिक मनाने के लिए घूम रहे क्या रहे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कहते हैं हम जी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर भगवान की शरण में। ओ भाई शरण शरण में भाई, पुलिस वालों ने क्या डंडे बरसाए, लिटरली उनका कर्म सीधा कर दिया। ओ भाई वाला सीन बड़े जब भूमने को कि कर्म सीधा कर दिया भाई।